आज भी देश में अधिकांश आबादी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रही है। ऐसे हालात में कोई ऐसा है जो पिछले 25 सालों से आम लोगों को असली आजादी दे रहा है और जिसका नाम है मोदी केयर। ऑलराइट लेडीज जेंटलमैन, हम बुलाने जा रहे हैं अब स्टेज पे मनोज जी को और मिसेस सारिका मलिक। मनोज जी, वेलकम टू द शो। आप मुझे बताया गया है एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपने और आपकी पत्नी सारिका जी ने मोदी केयर के साथ आने के लिए एक लंबी छलांग लगाई और आप लोगों का जो जो कोर कॉम्पिटेंस है वो है टीम बिल्डिंग। एम आई राइट? ये क्या है टीम बिल्डिंग एंड हाउ इज इट नेसेसरी फॉर द कंपनी? जब हमने डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी देखी तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहाँ पर हम जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपना कदम रखें, छोटी सी टीम बिल्ड करें और पता ही नहीं चलता कि वो 10 की टीम कब 100, कब 1000, कब 10,000 और कब 1,00,000 लोगों की हो जाती है। आज इन 9 सालों में हमारी टीम 5,00,000 से ऊपर की हो चुकी है, जबकि हमारी आज तक की जो टोटल टीम की हमने स्पॉन्सर की है वो सिर्फ 20-25 लोगों की है। और आज ये लाखों घंटे जो हम एन्जॉय कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये तो है ही कि आज हम BMW चला रहे हैं, आज हमारे बड़े बड़े सपने पूरे हो रहे हैं, हर साल 2-3 बार फॉरेन घूम कर आते हैं। साथ ही साथ जब टीम में लोगों के सपने पूरे होते हैं, उनके घर में लग्जरी गाड़ी आती है, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। सारिका जी, आपका क्या कहना है? आप खामोश हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक पुराना सपना पूरा करूँ और एक महीने के लिए हॉलीडे पर स्विट्जरलैंड चली जाऊँ। आमीन। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे टीम काम कर रही होगी और जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे घर में वही हैंडसम इनकम आ रही होगी। और ये खुशी हमें ना ज़िंदगी के साथ ही नहीं मिलती, ज़िंदगी का के बाद में भी मिलती है। कब ना जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए भगवान के यहाँ से। तो ये मैंने ये यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखा है। हमारे एक टीम लीडर राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जिन्होंने शिद्दत से यहाँ पर 5 साल काम किया और एक अच्छी टीम बिल्ड की। Okay. और कोविड की जब दूसरी लहर आई जी, तो अचानक उनका देहांत हो गया। oh. बट उनके जाने के बाद जो इमोशनल सपोर्ट मोदी केयर फैमिली से उन्हें मिला, उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, बट इमोशनली वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग हैं। और साथ साथ टीम की वजह से जो उनके घर इनकम जा रही है उसकी वजह से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। फैंटास्टिक। समीर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? समीर जी के बारे में तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ये सोने के दिल वाले हैं, जिन्हें सिर्फ देना आता है, और ये आज़ादी देते जा रहे हैं, और जितना लोग इनसे ले सकते हैं उतने लोग मोदी केयर से जुड़ते चले जाएं। फैंटास्टिक। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन भगवान के दूत को जरूर देखा है, जिनकी वजह से पूरे भारत में खुशहाली हो रही है। आज हम आजाद हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आजाद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोथ ऑफ यू।